भ्रमण करते करते किशोरी जी के सन्निधि में गए। यमुना तट पर श्री राधिका जी बैठी हैं। सब किशोरी जी के शरण में गए। सब किशोरी जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे श्यामा जी आप कृपा करो ना, ठाकुर जी दर्शन नहीं दे रहे। सुने राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें शाम ना मिला। Amen.
श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट वर्णन है, तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत। यदि ठाकुर जी के मिलन की अति तीव्र वेदना हृदय में है तो किशोरी जी की शरण ग्रहण करो, किशोरी जी की आराधना करो, किशोरी जी की कृपा होगी तभी ठाकुर जी समीप आ सकते हैं। आ तो वैसे भी जाएंगे, लेकिन जब हमें पता लग जाए कि हम जिससे प्रेम करते हैं उससे वो प्रेम करता है तो उससे हम जल्दी मिलते हैं। हमें कोई प्रिय लगता है उसको, आप भी उससे प्रेम करते हो तो हम निश्चित आपसे मिलेंगे। किशोरी जी के प्रति जब हमारे भाव रहेंगे तो ठाकुर जी निश्चित हमसे मिलेंगे। और गोपियों ने यमुना के तट पर कृष्ण विरह में एक गीत गाया, गोपी गीत। बंधुओं, ये गोपी गीत जो है ना, गा तो गोपियां रही हैं, परंतु ये गोपी गीत के भाव गोपियों के हृदय में श्री किशोरी जी प्रकट कर रही हैं। इसलिए गोपी गीत अद्भुत है, साधारण नहीं। इसके शब्द साधारण नहीं। पूरा नहीं गाऊंगा मैं, दो तीन श्लोक गा के आगे चलते हैं। जयति ते अधिकम् जन्मना ब्रज श्रेय